तो 1 अप्रैल को मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 महीने के सोशल मीडिया डिटॉक्स पे जाऊंगा, और 1 पूरा महीना कंप्लीट होने के बाद ये है मेरा रिस्पॉन्स सोशल मीडिया डिटॉक्स के बारे में। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शुभराज, ड्रीम आर्टर कोर्स से, और आज आप देख रहे हैं मेरा रिस्पॉन्स वीडियो सोशल मीडिया डिटॉक्स के बारे में। तो आइडली मुझे वीडियो डालना चाहिए था 1 मई को, लेकिन क्योंकि मेरे चैनल में ऑलरेडी एक सीरीज चल रहा था, एफ एस स्टूडियो का मिनी सीरीज चल रहा था, जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं ये वीडियो उस सीरीज के बाद डालने वाला हूँ। तो अगर हम डिटॉक्स की बात करें तो शुरुआत के दिन मुझे लग रहा था कि मैं अपने लाइफ से बहुत कुछ मेजर मिस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये जल्द ही रियलाइज कर लिया था कि ये मेरा जो एडिक्शन है कॉन्स्टेंट डोपामिन रिलीज को लेके, मेरे दिमाग में जो कॉन्स्टेंट डोपामिन रिलीज होते हैं सोशल मीडिया को यूज करने की वजह से, उसकी वजह से मैं ऐसा फील कर रहा था। और इस वक्त के दौरान मेरा लैपटॉप खराब हो गया, तो मैं इस बारे में क्रिब नहीं करना चाहता, लेकिन शायद अगर मेरा लैपटॉप सही होता तो मैं शायद ज्यादा काम कर पाता। और सबसे जरूरी चीज जो मैंने इस डिटॉक्स पीरियड में महसूस किया वो है कि मैं इस तरीके से रिलैक्स कर पाया जैसे मैं कुछ टाइम से नहीं कर पाया था। जब से मैं शायद सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हूँ तब से मैं इस तरीके से रिलैक्स नहीं कर पाया। ये बहुत अमेजिंग फीलिंग थी, ये अलग किस्म का रिलैक्सेशन था। और अगर मैं अपने काम की बात करूँ तो मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने फ़ोन से बनाए, लेकिन मैं शायद थोड़े ज़्यादा वीडियोस कर लेता अगर मेरे पास लैपटॉप होता और मेरे पास प्रॉपर सिस्टम होता। लेकिन जिस तरीके का डेडिकेशन मैंने फील किया, जिस तरीके का फोकस मैंने फील किया इस टाइम पीरियड में, वो बहुत अमेजिंग था। हाँ, मैं शायद इस टाइम पीरियड के लिए अपने दोस्तों के साथ कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड नहीं था, यानी कि मैं उनके स्टोरीज नहीं देख पाता था रेगुलर बेसिस पे, उनके फीड्स, उनके अपडेट्स नहीं देख पाता था। लेकिन ऑन द ब्राइटर साइड, मैं उनके साथ लंबे कॉन्वर्सेशंस कर पाया, मैं ऐसे लोगों के साथ बात कर पाया इस टाइम पीरियड में जिनके साथ मैं बहुत टाइम से मैंने बात नहीं की थी, और मैंने फ़ोन कॉन्वर्सेशन उनके साथ बहुत लंबी कॉन्वर्सेशंस की, जो बहुत मुझे काफ़ी वैल्यूएबल लगा ऐसे टाइम एंड पीरियड में। और सबसे बड़ा गिफ्ट जो मुझे इस डिटॉक्स पीरियड से मिला वो है खुशी, यानी कि हैप्पीनेस। ऐसी खुशी जो आप इंतज़ार करते हो, जिसका ऐसी खुशी जो आपको मिलती है जब आप एक मूवी देखते हो और आपका फ़ोन पिंग नहीं हो रहा होता है, आपका फ़ोन रिंग नहीं हो रहा होता है। ऐसी खुशी जो आपको मिलती है जब आप कुछ नहीं करते हो, आप जब आइडल बैठते हो, आपका दिमाग खाली होता है, और आप उस वक्त बैठ के जो आपको खुशी मिलती है, ये खुशी मुझे महसूस हुई सोशल मीडिया डिटॉक्स पे जाके। और फ्रैंकली ये 30 डेज मुझे सिर्फ 30 मिनट्स के जैसे लगे, और वापस मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आ चुका था लॉगिन करने के लिए। और पहली बार ही मुझे ये फील हुआ कि मैं लॉगिन करना नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं देखना चाहता हूँ कि किसने मेरे फ़ोटोज़ को लाइक की है, मुझे नहीं देखना है कि क्या अपडेट्स हैं। मुझे पहली बारी ऐसा फील हुआ। लेकिन मुझे ये भी पता है कि आज के टाइम एंड एज में अगर आपको अपडेटेड रहना है, आपको सबसे जुड़े रहना है, तो आपको सोशल मीडिया में होना बहुत ज़रूरी है। और फाइनली मुझे लगता है कि ये जो 30 डेज थे ये एक आई ओपनर थे मेरे लिए, क्योंकि ऐसा मैंने कभी पहले महसूस नहीं किया था। एटलीस्ट बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैंने ये एहसास नहीं किया था, मैंने ऐसा महसूस नहीं किया था। और आपको एक बार अपने लाइफ में ये 30 डेज डिटॉक्स ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि आज के टाइम एंड एज में जैसे हमारी लाइफ भाग रही है, जिस स्पीड में हमारी लाइफ भाग रही है, उस पर आपको एक ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये था मेरा रिस्पॉन्स वीडियो मेरे 30 डेज डिटॉक्स पीरियड के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, प्लीज़ जाएं इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे मेरे रेगुलर अपडेट्स होते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन अप।